क्या आप भूत प्रेत या आत्मा में विश्वास करते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता? तो एक बार आप मेरी बात मानिए और चमत्कारी बाबा मेहंदीपुर के दर्शन करके जरूर आइए। यह मंदिर अपने धार्मिक उपचारों और बुरी आत्माओं और भूत भगाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जयपुर आगरा रोड दौसा जिले में स्थित है। दो पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण इसको घाटा मंदिर भी कहते हैं या घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हनुमान अंक के अनुसार यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मेहंदीपुर के इतिहास के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ घोर जंगल था, घनी घनी झाड़ियाँ थीं, शेर चीता जैसे जंगली जानवर यहाँ घूमते फिरते रहते थे और चोर डाकुओं से भी इस गांव में बहुत डर बना हुआ था। जो बाबा महंत महाराज के पूर्वज थे उनको सपने में कुछ दिखाई दिया और सपने की अवस्था में ही वो उठकर चल दिए। उन्हें ये पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सपने की अवस्था में ही उन्होंने एक अनोखी लीला देखी जिसमें एक तरफ से हजारों दीपक जलते हुए आ रहे थे, हाथी घोड़ों की आवाज़ आ रही थी, एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज जी के, श्री भैरव बाबा जी के, श्री प्रेतराज सरकार के, इन सब के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और जिस रास्ते से फौज आई थी उसी रास्ते से वापस भी चली गई। श्री गोसाई महाराज वहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वो अपने गाँव की तरफ वापस चल दिए। घर जाकर उन्होंने सोने की बहुत कोशिश की पर उनको नींद नहीं आई। बार बार उसी सपने के बारे में विचार करने लगे। जैसे ही उन्हें नींद आई तो उन्हें वही तीन मूर्तियां फिर से दिखाई दीं, विशाल मंदिर दिखाई दिया और उनके कानों में वही आवाज़ें आने लगीं और कोई उनसे कह रहा था कि बेटा उठो, मेरी सेवा करो, पूजा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगा और कलयुग में अपनी शक्तियाँ भी दिखाऊँगा। गोसाई जी महाराज ने इस बार भी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया पर आखिर में श्री बालाजी महाराज ने दर्शन दिए और कहा कि बेटा मेरी पूजा करो। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उठे, उन मूर्तियों के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि चारों तरफ से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा। इसके बाद गोसाई महाराज नीचे आए और अपने पास के लोगों को इकट्ठा किया। और अपने सपने के बारे में बताया। जो लोग सज्जन थे उन्होंने मिलकर एक छोटी सी तिवारी बना दी, लोगों ने भोग की व्यवस्था भी की, फिर बालाजी महाराज ने उन्हें बहुत चमत्कार दिखाए। यहाँ प्रसाद खाते ही भूत प्रेत आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति झूमने लगते हैं। वैसे एक सामान्य इंसान इतने भारी पत्थर का भार सहन नहीं कर सकता लेकिन यहाँ आप मरीजों के ऊपर बड़े बड़े और भारी भारी पत्थर रखे हुए देख सकते हैं। लाखों भक्त यहाँ शनिवार और मंगलवार को अपनी अर्जी लेकर आते हैं और पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाते हैं। ये है कृपा बालाजी महाराज की।